खुदारा में हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, कुछ ना करो, गरीबों को कुछ करो। बताओ कब तक ऐसे करते, बच्चों का गला घोट देते हैं। होंगे नहीं तो ख्वाहिश भी पूरे नहीं करेंगे। लेकिन हमारा गिरेबान क्यामत के रोज इनके गिरेबानों में होगा इंशाल्लाह, हम नहीं छोड़ेंगे इनको। यतीम घूम रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, हम तो लावारी से हमारा वारिस कोई नहीं है अल्लाह के सिवा। छोटी छोटी ख्वाहिशें हैं, बाप पूरा नहीं करेगा तो कौन करेगा? अब औलाद को ये नहीं पता बाप काम पे जा रहा है कि पीढ़ी यहाँ पर बैठा हुआ है, वो तो बोल दे पापा दूध लाए हो मेरे लिए, छोटी बच्ची है मेरी 4 साल की, रोज दूध मांगती है, नहीं दे पाता उसको मैं, मगर के खुदा रहा मैं हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ कुछ ना करो, गरीबों को कुछ करो। और अभी यहाँ पर कोई बिरयानी वाला आता है ना तो ऐसे टूट के पड़ते हैं जैसे कभी जिंदगी में हम लोग खाए ही नहीं। हम अपनी खुद की बता रहे हैं, क्या करें, भूख लग रही है, सुबह से बैठे हुए हैं, ये तो मांगेगा ना। तो रात 10 बजे 9:30 बजे यहाँ से जाता हूँ, सुबह का 8 बजे आया हुआ, 10 बजे 9:30 बजे में घर जाता हूँ, इसलिए मेरे बच्चे सो जाते हैं ना, वो ऐसी पूरी नहीं करेंगे। 15 दिन हो गए रोजगार नहीं है, बिल्कुल नहीं है, महंगाई आसमान को चूरी है, आसमान को। बताओ कब तक ऐसे करते, बच्चों का गला घोट देते हैं। ख्वाहिश जब बच्चे होंगे नहीं तो ख्वाहिश भी पूरे नहीं करेंगे। हमें रोना आता है, हकीकत हमें रोना आता है। हमारी औलाद हमें बोलती है ना स्ट्रॉबेरी दूध, क्या देख को देखते हैं सुबह से, बताएं ये 50 रुपए का सिर्फ एक दरवाजा लगा के आया हूँ, ये देखो भाई 60 रुपए का क्या औकात है, ये छोटा सा खिड़की से दरवाजा मनु मोना लगा के आया हूँ। मालिक मकान हमारा रोज दरवाजा बजाता है, बात ही हम ताला लगा देते हैं भाई चलो गए हुए, कब तक चुप के बैठेंगे। लेकिन हमारा गिरेबान क्यामत के रोज इनके गिरेबानों में होगा इंशाल्लाह, हम नहीं छोड़ेंगे इनको। हालात बहुत खराब है, महंगाई इतनी हो गई है कि हम लोगों का गुजारा बहुत मुश्किल हो रहा है आजकल, बहुत परेशान है हम लोग। हुक्मरानी कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं, अब महंगाई वही कर रहे हैं आजकल, चीनी पे पैसे बढ़ा रहे हैं तो हुक्मरान वहाँ से, भाई आज चीनी भी 2 रुपये बढ़ गए, आज पेट्रोल पे पैसे बढ़ गए, आज आटे पे पैसे बढ़ गए, आज घी पे पैसे बढ़ गए, आज सब्जियों पे पैसे बढ़ गए, तो हम लोग कहाँ जाएँ बताओ। अब आटा खरीदें, चीनी खरीदें, पत्ती खरीदें, क्या क्या खरीदें, हम तो इसे यतीम घूम रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, हम तो लावारिस है हमारा वारिस कोई नहीं है अल्लाह के सिवा। खुदा की कसम तो परेशान है हुक्मरानों से, अल्लाह ताला इनको सेहत दे, हिम्मत दे, ताकत दे, हमारी खून चूस चूस के जो मजदूरी अब कमा रहे हैं इनसे जो अमीर हो रहे हैं इनको और ताकतवर बना दे। हम तो मर गए वैसे ही, हम क्या करें, किसको बोले जाके, किसकी कुंडी बजाए। देख देख के हालात पाकिस्तान के, वो बच्चे भी हमारे समझदार हो गए कि वो पापा क्या करें, जब बाहर ही काम रोजगार नहीं तो बेचारा कहाँ से लाए। जिन हुक्मरानों ने पॉलिसी बनानी है कि दूध कितना महंगा होना है, चीनी कितनी महंगी होनी है, और जिन असेंबली मेंबरान ने इन पे पॉलिसी बनानी है, उनको सब कुछ फ्री है। अब जिनको सब कुछ फ्री है वो मजदूर पेशा तबके के लिए पॉलिसी बनाएंगे, ये एक अलमिया है और ये इतना बड़ा जुल्म है जो जिसका अजाला कोई कर नहीं सकता। उन असेंबली मेंबरान को कोई जाके बताए कि कितने का दूध हो गया है, कितने की चीनी हो गई है, कितने की पत्ती हो गई है, कितने की सब्जी हो गई है। लोग खाने से मोहताज हो गए हैं, लोग अपने बच्चों को आसरा दे दे के थक गए हैं। ये भाई मेरे साथ हैं, मजदूरी इनको मतलब नहीं मिली है 8-10 दिन से। इन्होंने तय कर लिया है कि अब कयामत के दिन गिरेबान पकड़ना है उन हुक्मरानों का जिनकी वजह से ये भूखे सोते हैं या इनके बच्चे भूखे सोते हैं। कैमरामैन फाद अली के साथ इमरान मलिक, मेरान ट्रिब्यून, हैदराबाद।